नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ खास मुलाकात में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर नीरज मिश्रा हैं, जो जीबी पंत हॉस्पिटल में हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस लॉकडाउन में बीमार और स्वस्थ लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनका शरीर फिट रहे। डॉक्टर साहब, इस लॉकडाउन की स्थिति में लोग अपने घरों में ऐसा क्या करें कि जिससे वे एक्टिव बने रहें? ऐसे हालात में एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्वस्थ जीवन शैली नहीं अपनाएंगे तो आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य दोनों का काफी नुकसान हो जाएगा। इसके तहत आपको एक हेल्दी डाइट, संतुलित भोजन, अधिक मात्रा में लिक्विड या तरल पदार्थ का सेवन ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सके, और अपने आप को फिजिकली एक्टिव यानी कि चलते फिरते रहना जरूरी है। जो लोग स्वस्थ हैं उनको हफ्ते में अगर 150 मिनट वो अपनी मूवमेंट कर लेते हैं, कुछ लाइट एक्सरसाइज कर लेते हैं पूरे हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट, तो वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं। जो लोग यंगस्टर्स हैं, जो कम आयु के लोग हैं, स्वस्थ हैं, अगर वो 20 सेकंड लगातार सीढ़ियां चढ़ना और उतरने का काम दिन में 3 बार कर लेते हैं तो भी वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल कहलाएगी। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स अभी घंटों तक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जिसमें उन्हें लैपटॉप के आगे बैठकर काम करना पड़ता है। ऐसे लोगों को मैं एक 20-20 का मंत्र देना चाहूंगा जिसके तहत हर 20 मिनट काम के बाद आप 20 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए और इस ब्रेक के दौरान थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और 20 स्टेप वॉक करके वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाइए। ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो लोग इस समय स्वस्थ हैं वे जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एक स्वस्थ इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद काफी होती है, इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आप 7 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा की नींद ना लें। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखें, किसी न किसी काम में लगे रहें, लेकिन इस बात का भी ख्याल रहे कि आपके सोने का समय एक जैसा होना चाहिए। अक्सर ये देखा जा रहा है कि बहुत लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब आदि के चक्करों में लग के काफी देर रात तक जगे रहते हैं और फिर अगले दिन देर से उठते हैं। यह आदत अच्छी नहीं है। उनको एक नियमित रूप से अपने सोने और उठने का समय फिक्स करने की जरूरत है। जो लोग बुजुर्ग हैं या जो मरीज हैं जिनको अन्य बीमारियां हैं, वो भी, उनके साथ भी ऐसा देखा जा रहा है कि वे लोग ज्यादा समय तक आराम दे रहे हैं, क्या उनके लिए ऐसा करना ठीक है? जो लोग बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर की आयु के हैं, या फिर जिनको पहले से कुछ बीमारी है जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या किडनी रिलेटेड कोई बीमारी, ये समय उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। उन लोगों को अपना विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि वो दिन भर सोते रहेंगे, उससे भी फिर उनमें लेथार्जी की शिकायत हो सकती है, तो वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो वो लॉकडाउन से पहले जी रहे थे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर लोग ये जो हल्के बहुत व्यायाम है या नियमित रूप से थोड़ा बहुत एक्टिव रहने की जो आप सलाह दे रहे हैं, अगर वो फॉलो नहीं करें इस लॉकडाउन की स्थिति में, तो आगे चलकर क्या उनके लिए इससे नुकसान हो सकता है? जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के तहत एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी की जरूरत है। जो लोग बहुत ज्यादा आलस करेंगे, बहुत ज्यादा अपने रूटीन को इरेगुलर रखेंगे, उन लोगों में आगे चल के थकान, मोटापा और चिड़चिड़ेपन की शिकायत हो सकती है। अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है, रेगुलर व्यायाम करना है, नहीं तो लोगों में आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और मेंटल स्ट्रेस तक की शिकायत हो सकती है। जो लोग बहुत देर तक काम करते हैं, जो गलत पोस्चर में बैठ के काम करते हैं, उनको आने वाले समय में कमर दर्द, गर्दन दर्द जैसी ज्वाइंट पेन की शिकायत और पूरे शरीर में अकड़न की शिकायत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने के नाते आप इस समाज को इस लॉकडाउन फेज में क्या मंत्र या क्या सलाह देना चाहेंगे? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस बात का खास ख्याल रखें कि आप एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम ना करें। एक्सेस स्क्रीन टाइम मतलब कि बहुत लोग आजकल पूरा दिन टीवी में कोरोना के रिलेटेड खबर देखते रहते हैं, मोबाइल इंटरनेट को यूज करते हैं, तो एक लिमिट में ही ये जरूरी है। अगर आप सारा दिन एक ही चीज पर ध्यान देंगे तो आपको उसको लेके मानसिक तनाव भी हो सकता है। अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, पूजा पाठ या अन्य कोई रुचि जिसमें आपका मन लगे, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, गाना, कुछ भी कर सकते हैं ताकि आपका दिन ठीक से निकलता रहे
और आप अपने शरीर के साथ अपने मन के स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रख सके। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।